मरीजों की संख्या से शासन में खलबली है। सोमवार को नोडल अधिकारी कुमार विनीत ने सीएचसी रामपुर मथुरा का आकस्मिक निरीक्षण किया, हालांकि उन्हें कहीं कोई खामी नहीं मिली। उन्होंने निरीक्षण के दौरान इलाज कराने आए मरीजों का हालचाल जाना, सभी को मास्क या गमछा बांधने के लिए प्रेरित किया। ओपीडी, उपस्थिति पंजिका, मरीजों की पंजीकरण संख्या के साथ ग्लूकोमीटर से स्वयं की जांच कराई। डिलीवरी रूम, पैथोलॉजी, डिलीवरी रजिस्टर, दवाई वितरण और अस्पताल में बने शौचालयों व परिसर के बाहर सफाई देखी। सीएचसी अधीक्षक को शौचालयों में टोटियां लगवाने के निर्देश दिए। पत्रकारों से सवाल पर नोडल अधिकारी ने कहा कि यहां महिलाओं में इंपिरेशन की कमी है। पिछले 90 दिनों में 7 से 8 स्टिल बर्थ हैं, जो चिंता का विषय है। उन्होंने माना कि अस्पताल में अल्ट्रासाउंड व एक्सरे मशीन की कमी है। उस दौरान उप जिलाधिकारी महमूदाबाद गिरीश कुमार झा, सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर सुनील वर्मा, डॉक्टर दीपक भदौरिया, डॉक्टर अवधेश वर्मा, आयुष डॉक्टर लक्ष्मी नारायण वैश्य आदि मौजूद रहे। शासन के निर्देश पर सभी जनपदों में एक नोडल ऑफिसर, स्पेशल रैंक ऑफिसर इस समय तैनात है। और हमारा कार्य है बेसिकली ये देखना कि तो कोविड के संबंध में इलाज की क्या स्थिति है, और दूसरा नॉन कोविड हॉस्पिटलों में मरीजों के इलाज और उनके व्यवस्था और उनकी सुविधा के संबंध में। हमें ये भी देखना है कि जितने हॉस्पिटल इस बात को इंश्योर कर ले कि किसी को सर्दी खांसी बुखार की जैसे इन्फेक्शन हो तो उनको इमीडिएटली अलग से ट्रीटमेंट हो, और हॉस्पिटल में ज़्यादा से जल्दी उनको देखा जाए, और जिससे अनावश्यक रूप से भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में लोग ज़्यादा ना आए।